फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन किचन क्रेविंग्स। आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही टेस्टी, डिलीशियस और क्विक रेसिपी और बहुत ही हेल्दी ब्रोकली सैलड। ब्रोकली बहुत ही फायदेमंद वेजिटेबल होती है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, बायोएक्टिव सब्सटेंसेस, एंटीऑक्सीडेंट्स इसमें होते हैं। एंटी एजिंग के लिए इसको बहुत हेल्दी माना जाता है, कैंसर में भी यह बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है, प्रेगनेंसी में हेल्दी बोन्स और हेल्दी बच्चे के डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है, डाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो ब्रोकली हमारी काफी न्यूट्रिशियस होती है और सबसे जरूरी, ब्रोकली तो हमारे ब्रेन डेवलपमेंट, मेंटल हेल्थ के लिए भी इम्पॉर्टेंट होती है और इम्यूनिटी भी बहुत बढ़ाती है। ये आजकल जो इम्यूनिटी का प्रॉब्लम हो रहा है तो इसके लिए ब्रोकली बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और सर्दियों का मौसम भी है, ब्रोकली तो बहुत अच्छे से मार्केट में अवेलेबल है, तो क्यों ना बनाया जाए हमारा ये ब्रोकली का सैलड। शुरू करते हैं हमारा ब्रोकली सैलड, सिंपल, क्विक एंड ईजी। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि मेरी रेसिपीज का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाए। का सैलड बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक ब्रोकली लिया है, उसको इस तरह से फ्लोरेट कर लिया है, इसके भी हम इस तरह से अलग अलग कर लेंगे। और ब्रोकली का जो स्टेम होता है, इस तरह से जो स्टेम होता है, इसको भी आप अच्छे से छील करके और इसका अंदर जो सॉफ्ट पार्ट है उसको भी आप यूज कर सकते हैं। छीलने के बाद इस तरह से हम इसे काट लेंगे। अब ये जो हिस्सा है हमारा, इसको हम यूज कर सकते हैं। इस तरह से हमने ब्रोकली रेडी कर ली है। और यहाँ पर हमने एक गाजर लिया हुआ है, उसको छीलकर इस तरह से लंबाई में काटकर बॉईल करके रेडी कर लिया है। सबसे पहले हम ब्रोकली को ब्लांच करेंगे। यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है, उसके अंदर 1.5 कप पानी ले लिया है ब्रोकली को बॉईल करने के लिए। सबसे पहले हम इसे अच्छे से बॉईल होने देंगे। वाटर हमारा बॉईल हो चुका है और इसमें अब हम ब्रोकली डाल देंगे। स्टेम्स भी हम ले लेते हैं और इसे हम 3 मिनट बॉईल होने देंगे। इसे हम अच्छे से अंदर सोक करवा लेंगे। आप चाहें तो इसे कवर भी कर सकते हैं। ब्रोकली हमारी अच्छे से बॉईल हो चुकी है, मैं फ्लेम ऑफ कर ले रही हूँ। अब इस ब्रोकली को हम आइस कोल्ड वाटर में डायरेक्टली निकाल लेंगे, इसमें डाल दीजिए, इससे कुकिंग प्रोसेस इसका बंद हो जाएगा। और कितना अच्छा कलर खिल के आया है हमारी ब्रोकली का। ब्रोकली को हमने ठंडे पानी में डाल दिया है, अब कुकिंग प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा और ये ब्रोकली जब हम यूज करेंगे इस पानी में से निकाल कर हमारे रेसिपी में यूज कर लेंगे। अब हम ड्रेसिंग रेडी कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने बोल में 2 चम्मच ऑलिव ऑयल लिया है। आपके पास ऑलिव ऑयल नहीं है तो आप दूसरा रिफाइंड ऑयल भी यूज कर सकते हैं। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1/2 चम्मच ग्रेट किया हुआ अदरक, काफी अच्छा फ्लेवर देता है। 2 से 3 क्रश्ड हमारा गार्लिक है, इस तरह से फ्रेश गार्लिक हमने ले लिया है। 1 चम्मच यहाँ पर हम यूज करेंगे लेमन जूस की। आधा चम्मच हम डालेंगे चिली फ्लेक्स। कुछ हमारे पास ड्राइड मिंट है तो 1/4 चम्मच मैं मिंट डाल रही हूँ। अगर आपके पास फ्रेश मिंट है तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। अब हम डालेंगे नमक, स्वादानुसार डालिए। यहाँ पे 1 चम्मच हम यूज करेंगे विनेगर। अगर आप थोड़ा मिठास पसंद करते हैं तो आप हनी भी यूज कर सकते हैं, तो 1 चम्मच हम हनी ले लेंगे। इस तरह से जितना आप हनी पसंद करते हैं आप ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 1 छोटा चम्मच हनी यूज कर लिया है।
अब हम इन्हें मिक्स कर लेते हैं। आप चाहें तो इसमें ब्लैक पेपर भी ऐड कर सकते हैं, अगर थोड़ा स्पाइसी पसंद करते हैं ब्लैक पेपर क्रश्ड, या फिर ग्रीन चिली का पेस्ट आप यूज कर सकते हैं। अब बड़े बोल में मैंने ब्रोकली ले लिया है, यहाँ पे अब मैं ऐड कर लेती हूँ कैरेट। अब इसमें हम डालेंगे थोड़े से अखरोट या वॉलनट, इस तरह से क्रश कर लिया है हाथों से ही। थोड़ा सा क्रंच ऐड करेंगे, आप चाहें तो इसमें ब्लांच की हुई बादाम भी यूज कर सकते हैं। अब इसमें थोड़ा सा डालेंगे फ्रेशली कट धनिया, और अब ऐड कर लेते हैं हमारी तैयार की हुई ड्रेसिंग। बहुत ही टेम्पटिंग लग रही है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि सारा हमारा ड्रेसिंग अच्छे से कोट हो जाए। अब हमारा सैलेड एकदम तैयार हो चुका है, इसको सर्व कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, रेडी हो गया है हमारा वेरी डिलीशियस और बहुत ही क्विक एंड सिंपल हमारा ब्रोकली सैलेड, और इसे गार्निश हम करेंगे रोस्टेड तिल से। बहुत ही टेस्टी, डिलीशियस और न्यूट्रिशियस भी। आई होप यू लाइक दिस रेसिपी। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बेस्ट।